बागा बीच गोवा इज रेडी फॉर 2024 मींस गोवा का वागा बीच न्यू ईयर पार्टी के लिए रेडी है, मींस न्यू ईयर 2024 के लिए। तो भी मैं आ गया हूँ बागा बीच के अंदर और सेम सैक से मैंने एंट्रेंस किया और आप देख सकते हैं माहौल, यहाँ का माहौल बहुत ही मनोरम है। और अगर आप भी गोवा में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पहलुओं को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और गोवा के नए नए ब्लॉग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये है गोवा का, या फिर ये कहें नॉर्थ गोवा का बहुत ही फेमस बीच, बहुत ही क्राउडेड बीच, जो कि न्यू ईयर के टाइम पे चार गुना भीड़ वाला बीच बन जाता है, क्योंकि जितने सारे अदर स्टेट से लोग आते हैं सब बागा एंड कलंगुट बीच की नाइट पार्टी का ही मज़ा लेना चाहते हैं। और टिटोज लेन बागा बीच से कनेक्टेड है, इसीलिए ये एरिया इतना क्राउडेड हो जाता है कि आप बाइक या कार से नहीं आ सकते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 31st की नाइट में इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप पाँव भी नहीं रख पाओगे और इंसिडेंट होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो अगर आप केवल लड़के हैं, बॉयज़ का ग्रुप है, तो आप आ सकते हो न्यू ईयर पार्टी के लिए। अदरवाइज आपको मैं सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ कि 31st की नाइट को बागा एंड कलंगुट बीच पर आओ। आप गोवा के दूसरे बीचों पर चले जाओ, अरम्बोल साइड चले जाओ, रशियन लोगों के साथ मजे कर लो, रशियन लोगों के साथ पार्टी सेलिब्रेट कर लो, और उधर दूर वाले जो नाइट क्लब्स हैं उनमें चले जाओ। लेकिन अगर आप फैमिली या गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो आप बिल्कुल ही मत आओ। मैं यहाँ पे पॉज इसलिए कर दिया क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्कैमर कपल को टारगेट कर रहा है, तो ऐसे ही बागा बीच पर टारगेट किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा बच बचा के आना और बच कर अपनी गोवा ट्रिप का एंजॉय करना, क्योंकि आप लोग बहुत भोले भाले हो और यहाँ पर चूतिया बनाने वाले लोग बहुत हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहते हैं तो आप 5-6 दिन पहले आ जाओ या 4 से 5 जनवरी के बाद आ जाओ, तब बागा एंड कलंगुट बीच पर ऐसा ही माहौल रहने वाला है। लेकिन न्यू ईयर के दिन बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, न्यू ईयर 2024 की जो पार्टी होने वाली है उसके लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग यहां पर आके इंसिडेंट में हो जाओगे और आपके साथ कुछ हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि कपल हो तो बाद में या पहले आ जाओ, अगर आप लड़कों का ग्रुप हो तो आप आ सकते हो, भीड़ का मज़ा ले सकते हो। और इस अंधेरे एरिया में आपको स्कैमर मिल जाएंगे, थोड़ा बच के गोवा ट्रिप का एंजॉय करना।